हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग परेशान हैं, बोल रहे हैं कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है कि कई जगह ट्रेन वगैरह बंद कर दी गई हैं, मेट्रोज़ बंद है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सब किसान आंदोलन, ये सब बंद पड़ा हुआ है, तो लोग परेशान हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, कुछ लोग बोल रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, इसलिए मैंने ऐसा थंबनेल बनाया। लिखा तो है यहाँ पे IBPS क्लर्क एग्ज़ाम पोस्टपोन, बट नीचे देख सकते हैं थिंकिंग फेस बनाया है कि ऐसा लोग अफवाह क्यों फैलाते हैं। अभी तक जो ऑफिशियल कुछ नहीं आया है तो फिर कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स अभी ये बात करने का। हाँ, पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि शाम तक कोई नोटिस इससे रिलेटेड आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स ऑल इंडिया एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, कुछ सेंटर्स का होगा जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसा कि दिल्ली के कुछ सेंटर्स हो सकते हैं, हरियाणा कुछ सेंटर हो सकते हैं, यहाँ तक कि पंजाब कुछ सेंटर्स, गुजरात में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं कल से, ठीक है। तो यहाँ के कुछ सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएँ, लेकिन इसका जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक आप लोग किसी भी बात पर विश्वास ना करें। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी कुछ इशू चल रहे हैं, वहाँ बंद चल रहा है किसी कारण को लेकर के, कल स्ट्राइक है, तो वहाँ के भी कैंडिडेट्स परेशान है, बट अभी तक कोई एग्जैक्ट मतलब नोटिस नहीं मिला है कि हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे र्यूमर्स पर विश्वास ना करें, अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, और बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स कल के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।